तो हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री फायर के गेम के लॉबी में, यहाँ पर से जो आप सो इन लॉबी में जो गन लेके उतरते हैं वहाँ पे वो गन हटा दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे सबके हाथ में यहाँ पे कुछ गोल्डन बैट जैसा दे दिया गया है फ्री फायर में। यहाँ पे लॉबी में एक नया अपडेट आया है, पता नहीं ये अपडेट कब तक रहेगा, लेकिन जब तक भी है शानदार है एकदम। मतलब आपके लॉबी से गन हटा के एकदम मतलब कुछ गोल्डन बैट जैसा, कि जैसे आप वीडियो को देख सकते हैं गोल्डन बैट सबके हाथ में दे दिया गया है। मैं रैंक सोलो स्टार्ट कर रहा था तो मैंने देखा लॉबी में अचानक एक नया अपडेट आया है, तो सोचा बता दूं आप लोगों को। तो आप लोग भी अपना गेम ओपन कीजिए, आप लोगों को भी लॉबी में देखने को मिलेगा। जो भी आप गन लेकर उतरेंगे तो वो गन नहीं दिखेगा आप लोगों को, मतलब एक गोल्डन बैट जैसा आपके हाथों में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंक सोलो। अभी मैं उतर रहा हूँ यहाँ पे ब्राज़ीलिया के एकदम मिडिल वाले घर में, तो उतरते हैं यहाँ पे और देखते हैं कितने बंदे आ रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बंदे यहाँ पे उतर रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए मैं साइड में उतरूँगा ताकि अच्छी खासी लूट हो सके, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ अपने मोबाइल का। तो चलिए यहाँ पर मैं उतर रहा हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना यारो, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन का बहुत पंगा चल रहा है, तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। और चलिए यहाँ पर मैं उतर चुका हूँ ब्राज़ीलिया के घर में। तो यहाँ सबसे पहले तो मेरे को एक VSS गन मिला है और यहाँ पर स्कार मिला है, ग्रीन वाला स्कार। तो मैं यहाँ पे पहले लूट कर लेता हूँ, बाहर बंदे भी उतरे हुए हैं मेरे साथ में। तो यहाँ से मैं लूट देख सकते हैं, जो जैसा हाथ में मेरा अभी बैट है उसी तरह का कुछ लॉबी में भी आप लोगों को देखने के लिए मिला था। यहाँ पर से एक वेस्ट मेरे को मिल गया है और यहाँ से थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं, एमओ वगैरह हेलमेट एक ले लेते हैं और यहाँ से ग्लूबॉल ले के चलते हैं नीचे। यहाँ पर हेलमेट वगैरह है मेरे पास, तो चलते हैं नीचे वहाँ बंदे वंदे देखते हैं है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 का हेल्थ डाउन हो गया, मेरे को नहीं कूदना चाहिए था ऊपर से। तो यहाँ से SMG वगैरह लूट लेता हूँ और यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे देख सकते हैं बाहर ही एक बंदा है यहाँ पे। मैं कवर पहले लेता हूँ, भाग रहा है VSS का एक शॉट और देख सकते हैं VSS से बंदा डाउन हो गया। यहाँ पे पहला किल VSS से जाते हैं, पहले बॉन्टी अपना लूट लेते हैं, तो बॉन्टी हमेशा यूज करिए, यहाँ से बॉन्टी लूट लेते हैं, चलते हैं। वो भाई साहब पीछे से मार रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं यहाँ से पहले। तो जब भी बंदा आपको मारे खुले में मत रहिए, जल्दी से लोकेशन चेंज कर लीजिए अपना ताकि बंदा आपको पहचान ना पाए। तो मैं जल्दी दूर चला जाता हूँ, साइड से भी एक बंदा है, तो मैं फंस चुका हूँ दो तीन बंदों के बीच में। तो यहाँ से फटाफट से मेरा हेल्थ सबसे पहले फुल करना पड़ेगा, हेल्थ आधे से भी कम हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक कवर लेकर मेडिकेट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर पे से बंदा जा रहा है, उसको भी मेरे को ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ चला गया। यहाँ से देख सकते हैं मेरा हेल्थ हो गया। चलिए यहाँ से एक वेस्ट अपग्रेडर है, वेस्ट अपग्रेडर से वेस्ट देख सकते हैं घर में भी यहाँ पे एक बंदा है, वेस्ट अपग्रेडिंग बाद में करेंगे। यहाँ से बंदे को मारा एक स्कार का शॉट, यहाँ पे शॉर्ट रेंज का गन मेरे पास नहीं है, एक स्कार का शॉट से बंदा डाउन हो गया। वो भाई साहब गजब का किल, यहाँ से स्कार से मेरा दूसरा किल हो गया। तो जो बंदे का स्कार गन फेवरेट है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा भी फेवरेट गन स्कार है और अधिकतर गेमों स्कार लेकर ही खेलते हैं। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर, जो बंदा था यहाँ से पहले वेस्ट अपग्रेडिंग है, वेस्ट अपग्रेडिंग से वेस्ट अपग्रेडर कर लेते, देखते फिर यहाँ से बंदा मार रहा है यहाँ पीछे से पटाक से, पहले ग्लूबॉल का कवर यहाँ पे एक छोटा सा कवर ले लेते हैं ग्लूबॉल का हम लोग, और यहाँ से लोकेशन चेंज कर लेते क्योंकि बंदा पहले आपका डैमेज किया तो बंदा जरूर पुश करने की कोशिश करेगा। तो आप वहाँ से लोकेशन चेंज कर लीजिए, जैसे कि पीछे से मार रहा है बंदा। पहले तो कवर लेना पड़ेगा आपको, आपका हेल्थ एकदम डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कवर ले लेता हूँ, मेडिकेट यूज़ कर लेता हूँ, बंदा जरूर पुश करेगा मेरे को क्योंकि वो मेरा ज़्यादा हेल्थ डाउन किया। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट से लोकेशन चेंज सोलो में, मतलब जितना हो सके लोकेशन चेंज आप करते रहिए ताकि बंदा मतलब आपको एक लोकेशन में ना समझ पाए कि आप इसी लोकेशन में, अगर आप एक लोकेशन में रहेंगे तो बंदा आपको जरूर से मार देगा। तो देख सकते हैं मैं कैसे लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, बार बार अलग 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 लोकेशन पे जा रहा हूँ ताकि बंदा कंफ्यूज हो जाए और वो मेरे को एक जगह पे ना पहचान पाए। तो यहाँ से मैं पहले वेस्ट अपग्रेड कर लेता हूँ और इस वाले घर पर शायद बंदा है ऊपर में, तो देखते हैं कि कहाँ पर है। तो देख सकते हैं एक बंदा गाड़ी लेकर भी जा रहा है शायद ऊपर से, और आगे में बंदा है ऊपर फ्लोर पे टेरेस पे बंदा है एक बालकनी में, देख सकते हैं पिंक कलर का एक बंदा। तो उसको डैमेज करते हैं पहले फटाफट से, देखते हैं बहुत डैमेज हो गया तो मेरे को अब पुश करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा डैमेज किया हूँ उसको पहले। तो वो मेडिकेट यूज़ कर लेता, तो मैं सबसे पहले जाके पुश कर देता हूँ। तो मेरे पास ग्रेनेड नहीं है तो डायरेक्ट मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, शायद वो लैंडमाइन वगैरह बिछा के रखा होगा, तो लैंडमाइन चेक करके चढ़ते हैं। जैसे एक लैंडमाइन ले लेते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं लैंडमाइन वगैरह बंदा लगाया तो नहीं है, यहाँ पर पहले चेक कर लेते। उसके बाद आप जब भी चढ़े छत वगैरह पे बंदा अगर आप उस रूम में होगा तो देख ले कि लाइनमैन वगैरह बंदा लगाया नहीं, उसके बाद अच्छे से चेक करके हील करें। देख सकते हैं बंदा यहाँ पे है, तो मैं
अभी एक स्कार का शॉट दिया वो बंदा को, बंदा के पास भी स्कार ही है, उसके पास नो स्किन स्कार है, मेरे पास स्किन स्कार है, देख सकते हो बंदा डैमेज करा, तो कवर ले लेकर मैं मार रहा हूँ, रूम के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर हूँ बंदा, और यहाँ पे ख़त्म बंदा हो भाई साहब, एक स्कार का शॉट और बंदा ख़त्म फटाक से। तो मेरा यहाँ पे 3 किल हो गया और अभी भी 25 बंदे अलाइव है। तो थोड़ा सा यहाँ अब नीचे चलते हैं, हो गया मतलब जोन भी बनेगा 35 सेकंड के बाद, तो मैं जोन पे हूँ, तो चलते हैं। मेरे पास 0 मेडिकेट है, तो मैं मेडिकेट वगैरह का थोड़ा लूट कर लेता हूँ, लूट मेरे पास कम हो गया, तो मैं स्कार और VSS लेके खेल रहा हूँ, और चल देखते हैं आगे क्या होता है, कितना किल कर पाते हैं। तो फटाक से जो भी बंदा अभी तक लाइक नहीं मारा तो लाइक कर दो यार, बहुत ही ज़बरदस्त गेम प्ले हो रहा है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना गेम प्ले कैसा लगा। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे लूट बॉक्स में कुछ नहीं है, यहाँ एक कार रखा हुआ है तो कार को यूज़ नहीं करूँगा, ऐसे ही चलता हूँ। यहाँ पे एक ग्रेनेड है मेरे पास, ग्लूबॉल अभी नहीं है तो मुझे कवर ले करके जाना पड़ेगा, कवर ले ले करके। तो यहाँ पे एक वेस्ट अपग्रेडर, वेस्ट अपग्रेड उस समय नहीं किया था, तो कोई भी जब भी आपको वेस्ट अपग्रेड दिखे तो वेस्ट अपग्रेडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, वरना कोई दूसरा कर लेगा। इससे क्या होता है कि आपका वेस्ट और हेलमेट जो है अपग्रेडिंग हो जाता है, तो आपका आप ही का फ़ायदा रहता है इससे। तो चलते हैं ऊपर की ओर, बंदे को खोजते हैं कि बंदा किधर है, अभी भी 20 बंदे से अलाइव है और 3 किल हो चुका है मेरा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो निकलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पे एक डेथ बॉक्स है, तो मेरा ही डेथ बॉक्स है जिससे बॉन्टी था मेरा, बॉन्टी इससे तो मैं लूट कर चुका, तो यहाँ पे मैं लैंडमाइन लगा के चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास लैंडमाइन है और लैंडमाइन भी ग्रीन है और मेरा डेथ बॉक्स भी ग्रीन है, तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। और देख सकते हैं बंदा पीछे से मार रहा है, वो भाई साहब निकलना पड़ेगा यहाँ से, लोकेशन जल्दी चेंज करना पड़ेगा, आप वहाँ अगर मैं वहाँ पर खड़े रहकर शूट करता तो मैं मर जाता। तो सबसे पहले कवर लेना था मेरे को, मेरे पास ग्लूबॉल नहीं था, तो मैं फटाक से लोकेशन चेंज किया, देख सकते आप मेरा कितना डैमेज कर दिया बंदा यहाँ पर। तो इस रूम के छत पर मैं कवर लेकर के मेडिकेट यूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले, वो भाई साहब 20 हेल्थ कर दिया था मेरा फटाक से, अगर मैं मार रहता तो पक्का मारा जाता। मैं पहले मेडिकेट से हील कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ नीचे, बंदा कहाँ पर है देखते हैं। तो अभी थोड़ा विंडो वगैरह तरफ से देख लेते हैं कि बंदा है कि नहीं नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे तो डेंजर जोन स्टार्ट हो गया, तो मैं डेंजर जोन ख़त्म होने तक इसी रूम में रहूँगा। डेंजर जोन में अगर बाहर जाता हूँ तो मैं एनिमिलेट भी हो सकता है, और देख सकते हैं यहाँ पे बंदा ग्लूबॉल का कवर लगा के बैठा हुआ है घर में, और सीढ़ी पे लैंडमाइन भी लगाया हुआ है। तो मैं ध्यान से देख का मेरे को पता चल गया यहाँ पे कि इसी रूम पे बंदा है, तो मैं इसका वेट करता हूँ उसके निकलने का। तो मैं पहले पुश नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी 18 बंदे अलाइव है और वहाँ पे लैंडमाइन भी है, तो देख सकते हैं कि बंदा कब निकलेगा, हम लोग उसका वेट करते हैं बंदा के निकलने का। तो तब तक से इसी रूम पे हम लोग सर्वाइव कर लेते थोड़ा सा, और देख सकते हैं नीचे वो वाले रूम में भी सीधा जो यानी कि 2 बंदे हैं नीचे, देखते हैं बंदे वहाँ से निकलता है कब। तो यहाँ पे नीचे 2 बंदे हैं, 2 बंदे फाइटिंग कर रहे, तो अब हमको पीछे से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं सामने से नहीं जाऊँगा, तो सामने से जाऊँगा तो मैं भी मर सकता हूँ, मेरे पे भी वो लोग डैमेज कर सकते, तो मैं पीछे से जाऊँगा यहाँ से लोकेशन चेंज करके, ताकि बंदे पता ना चल सके, 2 बंदे का फाइट में मैं फ़ायदा उठा सकूँ। तो देख सकते हैं बंदे का फाइटिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कवर लेकर मारूंगा यहाँ से, देख सकते हैं एक बंदा वहाँ पर है, तो उसको एक स्कार का शॉट दिया, एक हेडशॉट स्कार का, और यहाँ पे इन आउट मारा और यहाँ पे बंदा डाउन, वो भाई साहब 4 किल हो गया और अभी भी 15th बंदे अलाइव है। तो इसी बात पे जो जो फटाफट से लाइक मार दो, जो जो बंदे लाइक नहीं मार रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पे फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो चलते हैं अब यहाँ पे पीछे से, यहाँ पे बंदा अभी नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ इसी घर पे। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि नीचे एक बंदा है, तो मैं विंडो से देखा अभी, तो मैं पीछे से इसे भी मारने के लिए जाऊँगा लोकेशन चेंज करके। तो यहाँ से निकलते हैं इस वाले रूम से और यहाँ पे कवर लेते हैं, और देखते हैं कि बंदा वो वाले रूम में है। तो यहाँ से देख सकते हैं ग्लूबॉल का एक कवर भी लिया हुआ है वहाँ पर बंदा, वहाँ पर ग्लूबॉल का कवर मतलब यहाँ पर फाइटिंग हुआ है 2 बंदे के बीच में। तो मैं इस साइड से जाता हूँ पीछे से और इस रूम में देखता हूँ, इस रूम में थोड़ा सा सर्वाइव करता हूँ। पास वाले बंदा जैसे देख सकते हैं बंदा उस वाले घर में गया दौड़ के, शायद वो मुझे मेरे को देख लिया है। तो मेरे पास तो नेट के लिए ग्रेनेड भी नहीं है और ग्लूबॉल भी नहीं है, तो मैं इसी के रूम पे थोड़ा सा सर्वाइव करता हूँ, उस बंदे को नीचे आने का कोशिश करता हूँ। बंदा मेरे को देख लिया, फायरिंग कर रहा है विंडो से, तो मैं यहाँ से घूम के जाऊँगा, थोड़ा सा उस बंदे को चालाकी से अपनी ओर लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे चलते हैं उस वाले रूम में जाके पुश कर देता हूँ, थोड़ा सा सर्वाइव करके देख पुश कर देता हूँ। उस वाले बंदा छत पे है, ओ भाई साहब ओ हेडशॉट लग गया यार बंदा का गलती से, छिट यार किस्मत ही ख़राब है, ओ भाई साहब बंदा का गलती से हेडशॉट लग गया यार। लाइक कर दो यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।